वेलकम टू अरिष्टम्स वेबिनार सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कम्बुचा। ठीक है, कम्बुचा जैसे आपको पता होगा, ये मेरा कम्बुचा का जार है। आपको ये ग्लास जार्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इसको पिकल पिकल जार भरनी इसके नाम से भी जानते हैं। मैं इसके अंदर कम्बुचा बनाता हूँ। ये 2 लीटर का जार है, आपको 5 लीटर तक के साइज के मिल जाएंगे। इसके बड़े साइज के आपको जार चाहिए तो आप मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको वो भी हो जाएगा। हमारे पास भी है थोड़े बहुत, लेकिन हमारे पास 30 लीटर से स्टार्टिंग है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स, राइट? सो पहला चीज है कि कम्बुचा क्या चीज होती है। कम्बुचा इज फर्मेंटेड टी। तो ये आपकी कुछ लोग कहते हैं कोरियन है, कुछ लोग कहते हैं जापानीज है, कुछ लोग कहते हैं चाइनीज है। ऑरिजिन कहाँ का है ये नहीं पता है, बट प्रोबेबली मिक्सचर ऑफ द इन्फ्लुएंस अपॉन द 3 कंट्रीज पुट टुगेदर। तो ये वहां की ड्रिंक है, ये कम से कम 700 से 1000 साल पुरानी ड्रिंक होगी, इतने पुराने उसके रेफरेंसेज हैं। एंड ये बनाना बहुत ही सिंपल है। हम चाय की पत्ती लेंगे, हम शुगर लेंगे और हम कम्बुचा मदर लेंगे, इसको स्कूबी बोलते हैं। ये 3 चीजें लेके हम लोग कम्बुचा बना सकते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा बैच बनाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दीजिएगा। तो कम्बुचा के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कम्बुचा मदर। ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा, अरिष्टम भी रखता है। ये ऐसा कम्बुचा एक मदर होता है। ठीक है, ये जैसे जैसे एवरी टाइम यू मेक अ टी, एक और लेयर आता जाता है। आपको एक छोटी सी पतली सी परत चाहिए होती है कम्बुचा की, आपको सारा कुछ नहीं चाहिए होता है। और ये कम्बुचा आप गिफ्ट भी कर सकते हो। सो वंस यू हैव इट, ये आपके दही की तरह हो गया, ये परमानेंट कल्चर हो जाता है आपका। दही आपने एक बार अपने घर पे रख लिया जामुन, तो वो जामुन आप यूज करोगे, जितना थोड़ा सा बचेगा उससे नेक्स्ट बनाओगे, उससे नेक्स्ट बनाओगे। ऐसी कम्बुचा का भी है, आप इसको लेंगे, आप इससे कम्बुचा टी बनाएंगे, उसके बाद जब आपकी टी खत्म हो जाएगी तो इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर देंगे एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी, हम ऐसे बनाएंगे। नाउ कमिंग टू थिंग्स, हम लोग आज जिंजर कम्बुचा की बात करेंगे, हम लोग इसकी बात ये प्लेन कम्बुचा की बात करेंगे और हम लोग फ्लेवर इन्फ्यूजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप कम्बुचा कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। हम सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कोई भी भगोना, ये आपका भगोना हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी लिया, आप कोई भी पानी ले सकते हो, आपको मिनरल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए नॉर्मल किचन का पानी मैंने ले लिया। अभी हम इससे पहले इसका वजन लेंगे, तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा, हमने ये प्याला लिया। अभी हम लोग 1 लीटर पानी में 60 ग्राम शुगर डालेंगे। ये वेइंग स्केल है, आपको किचन का भी वेइंग स्केल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिया इसको, पहले हमने मैंने टेयर किया। टेयर मतलब क्या हुआ कि जो वेसल है वेसल का वेट हमने 0 कर दिया। उसके बाद मैंने 60 ग्राम इसमें शुगर लिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, शुगर को हमेशा पहले गर्म कर दिया करिए, उबालना पड़ता है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज होती है जो अपने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, ये मेरी 60 ग्राम शुगर है। ठीक है, पानी आपको 1 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका वजन है तो वजन से आप एग्जैक्टली आप 1 लीटर पानी पोर कर सकते हो, 1 केजी पानी पोर कर सकते हो। अगर 1 केजी पानी आपको पोर नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी बिस्लरी या पानी की बोतल ले सकते हैं, उसके ऊपर यूजली 1 लीटर की बोतल मिल जाती है, आपको उससे आइडिया लग जाता है। यहाँ पे मैंने आपके मेजरमेंट के लिए पहले से ही ये मेजर करके रखा हुआ है। तो मैंने ये 1 लीटर पानी मैंने पोर कर दिया और मैंने इसके अंदर 60 ग्राम शुगर डाल दी। मैंने गैस को फुल पे बॉइल कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक और चीज चाहिए होती है, हमें चाय की पत्ती चाहिए होती है। नाउ कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि डू आई नीड टू यूज व्हाइट शुगर, क्योंकि मैं व्हाइट शुगर नहीं यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो व्हाइट शुगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल बहुत ईजी तरीका है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 चीजें यूज कर सकते हैं, आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं, जैगरी। ये देखिएगा, ये जैगरी है, दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये जैगरी है, गुड़ है, आप ये गुड़ भी डाल सकते हैं, आप गुड़ और उसका शुगर का मिक्सचर भी डाल सकते हैं, आप हनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, हनी में कोशिश करिएगा कि थोड़ी सी प्योर ऑर्गेनिक हनी यूज करिएगा। अगर आप हनी यूज करते हैं तो उसको सेम कल्चर आपके काम करता है, लेकिन आप उसको बोलते हैं जुन, JUN, जुन। ठीक है,
मसाले मैं बहुत कम डालता हूँ, बट कुछ लोग इसके अंदर बहुत सारे मसाले डाल सकते हैं। हम लोग ये देखिएगा, ये लौंग है, आप लौंग दिखा है आपको? हाँ जी, आप लौंग डाल सकते हैं, लौंग के एक दो कण काफी रहते हैं। स्टार एनीस कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, सौंफ भी एक दो लोग, एक दो ही मैंने अच्छी देखी है सौंफ वाली, आप सौंफ भी डाल सकते हैं। और जिंजर तो मेरा फेवरेट है, जिंजर देखिएगा, ये जिंजर कम्बुचा है, ये मैंने थोड़े दिनों पहले बनाया था, सेकेंडरी फर्मेंटेशन इसका किया था, तो आज हम सेकेंडरी फर्मेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अभी आपको इसके साथ साथ 3-4 ग्राम शुगर डाल, 3-4 ग्राम आपको चाय की पत्ती डालनी है। आप कोई भी, मैं प्रेफर करता हूँ ग्रीन टी यूज करना, तो ये तो मैंने टेटली वाली ग्रीन टी यूज की है, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ये मेरी चाय हो गई, ठीक है? देखिएगा कितनी सी, इतनी जरा सी चाय की पत्ती हमने यूज कर ली, ठीक है? एक चीज याद रखिएगा कि चाय को जैसे आप घर में भी बनाते हैं ना, हम लोग चाय को कभी बॉईल नहीं करते हैं। क्यों? चाय को बॉईल करेंगे तो उसमें से उसके चाय का निकोटीन निकल जाएगा, चाय थोड़ी सी कड़वी भी हो जाएगी, उसका फ्लेवर सारा खराब हो जाएगा, उसकी खुशबू भी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि पानी को बॉईल होने को, और बॉईल होने के बाद उसको ठंडा होने का वेट करते हैं। जब जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा, ठीक है, जब ठंडा हो रहा है तो उसके अंदर आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप उसके फिर आप चाय की पत्ती डालेंगे तो उसका चाय का कलर निकलेगा, चाय का खुशबू निकलेगी, लेकिन चाय की जो कड़वाहट है, जो एस्ट्रिंजेंसी होती है, जो आपको कई बार कड़वी लगती है ना, वो चीज़ कभी नहीं निकलेगी, और निकोटीन भी नहीं निकलेगा, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगी। और आप ग्रीन, मैं ग्रीन टी प्रेफर करता हूँ, आपको ग्रीन टी नहीं मिलती है तो आपको बाजार से कोई भी ब्लैक टी भी यूज कर सकते हैं, टी बैग्स भी यूज कर सकते हैं, वट एवर वर्क फॉर यू, यू कैन यूज इट, ठीक है? कुछ लोगों ने कॉफी कॉफी भी यूज करके डाली है, बट इसमें आप ये फिल्टर कॉफी वाली जो आपकी जो ग्राउंडेड बीन्स होते हैं वो डालेंगे, इंस्टेंट कॉफी नहीं यूज करते हैं। बट वो भी अगर आपको कोई भी आपको नया कल्चर या नया चाय यूज करनी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि 1/4, तो हम लोग ट्विनिंग इसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 ऑफ न्यू कल्चर एंड 3/4 ऑफ ग्रीन टी यूज करेंगे। ग्रीन टी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, तो उसके कारण से आपका कम्बुचा व्हाइट बनेगा। इसमें छोटे छोटे बबल्स भी आपको दिख रहे हैं, ये देखिएगा मेरा कम्बुचा काफी, इसकी लेयर व्हाइट होगी। अगर आप ब्लैक टी यूज करेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम होते हैं, तो उसके कारण से आपका जो कम्बुचा की स्कूबी बनेगी वो थोड़ी थोड़ी सी आपके ब्राउनिश डार्क ब्राउन स्कूबी बनेगी। कोई भी क्वेश्चंस हो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फॉर दोज हु जॉइंड लेट प्लीज आस्क दोज क्वेश्चंस, ओके? यहाँ पे अपना हमारा पानी गैस में है, 5 मिनट और दीजिएगा, गैस में बॉइल हो जाएगा, ठीक है? नाउ उसके बाद अज्यूमिंग कि पानी यहाँ पे बॉइल हो गया है, जब पानी बॉइल हो गया है तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर चाय की पत्ती डाल के हम इसको ठंडा कर देंगे, ठीक है? तो ठंडा करने के लिए रख देंगे, करीबन 1 घंटा लगता है। जैसे दूध होता है ना, दूध के दूध हम बिल्कुल बॉइलिंग बॉइलिंग मिल्क में, अगर हमने दूध का ये दही का कल्चर डाल दिया तो दही कभी जमेगा नहीं, वैसे हम इसको ठंडा करते हैं जब तक वो दही के टेम्परेचर यानी 30 डिग्री सेल्सियस ना पहुंच जाए। जब 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो तब हम लोग इसको अपने कम्बुचा स्कूबी करने डालेंगे, ठीक है? सो दिस इज वन मे थिंग। अभी मैं एक दो क्वेश्चंस और लेता हूँ, मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके लिए मैं बताता हूँ, अगर आपका बहुत बड़ा बैच होगा तो आपको क्या करना होगा। जो लोग कम्बुचा कमर्शियली बनाते हैं उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 100 लीटर पानी वेट करें, कि 100 लीटर पानी उबले और उसका ठंडा करें, तो उसको ठंडा करने के लिए ये एक मैकेनिज्म है, इसको हम लोग वॉट चिलर बोलते हैं, WORT वॉट चिलर बोलते हैं, तो वो लोग उसको ये यूज करते हैं। ये आपके भगोने के अंदर आ जाता है, बड़े साइज के भगोने के अंदर डायरेक्टली फिट हो जाता है। एक साइड से आप ठंडा पानी डालते हैं, दूसरी साइड से हम लोग ड्रेन में ले जाते हैं, तो जब बॉयल हो जाता है तो उसके बाद हमने इसके अंदर से ठंडा पानी डाला, तो इस कॉइल्स के थ्रू वो ठंडा पानी फ्लो करेगा और वो आपके पूरे कम्बुचा जो इतनी बड़ी जो मदर है 50-100 लीटर्स के जो आप टी बना रहे हैं उस पूरे उसको ठंडा कर देगा, तो दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज है, अगर आप छोटा बैच बना रहे हैं तो जैसे हम चाय को छानते हैं वैसे आप कर सकते हैं, बड़ा बैच बना रहे हैं तो कई बार वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कमर्शियल वाले ये इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हॉप ट्यूब, HOP हॉप TUB ट्यूब, ठीक है? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है,
ये आप इसको ऐसे खोलेंगे, ये स्टेनलेस SS304 की बनी हुई है। आप इसके अंदर आप अपनी चाय डाल दीजिएगा, और चाय चाय के साथ साथ आप अपने फ्लावर पेटल्स डाल सकते हैं, कोई हर्ब्स डाल सकते हैं, स्पाइसेस डाल सकते हैं, ये सब डाल के इसके बाद चेन से इसको फास्टन कर दीजिएगा। ठीक है, ये चेन आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से आपने ये चेन को लगा दिया। ना चेन को बांध के आप कहीं पे भी इसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी वेसल पे सस्पेंड कर दिया। जब आपका चाय का पूरा काम हो गया तो आप इसको चाय और मसाले आप एक साथ पूरे निकाल सकते हैं। इससे फायदा ये होगा, इसमें देख सकते हैं आप महीन महीन सी बारीक सी जालियां हैं, जिसके कारण से आपकी चाय की पत्ती का जो पाउडर है, आपने कभी चाय पी होगी तो देखा होगा, वो बहुत सारा पाउडर सेडिमेंट्स आ जाते हैं, हेजी हो जाता है कम्बुचा, जिसके कारण से चाय भी हेजी हो जाती है, ब्लैक टी आपकी हेजी बनती है। तो इस जाली के थ्रू निकालेंगे तो फिर आपकी हेजी नहीं बनेगी। ये दो चीज़ें हैं, लेकिन ये बिग कमर्शियल बैचेस के लिए चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने ऑलमोस्ट बॉयल हो गया है, तो ये जब ये बॉयल हो जाएगा उसका इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसको कम्बुचा मदर में डालना है। नाउ दूसरी चीज़ जो हम लोग बात करते हैं वो ये है कि उसके बाद हमें क्या करना है। तो आप ठंडे में डालेंगे, कभी गर्म फुल बॉइलिंग बॉइलिंग कम्बुचा में आप बॉइलिंग कम्बुचा टी कम्बुचा में मत डालिएगा, उससे आपका जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। इसको आपने रिप्लेस करना है। जब आप रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और लेयर बन जाएगी आपकी कम्बुचा स्कूबी की। और ये छोटे छोटे से यहाँ पे आपको साइड में बबल्स दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे, हाँ यहाँ पे दिख रहे हैं ना कोई बबल्स, तो ये फर्मेंटेशन हो रहा है। नाउ कितने दिन आपको वेट करना पड़ेगा? आई वेट फॉर अबाउट 7 डेज। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी ड्राई, जो ड्राई कम्बुचा बोलते हैं मुझे वो पसंद है, लेकिन 3-4 दिन में थोड़ा सा खट्टा मीठा, जो नींबू पानी टाइप का अगर आपको स्वाद चाहिए खट्टा मीठा सा, तो वो आपको 3-4 दिन में आपका वो स्वाद आ जाएगा, दैट इज गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, वो आप थोड़ा 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन के बाद से आप टेस्ट करने लग जाइएगा। एवरी डे इट विल बिकम मोर सार, जब आपको लगे कि बिल्कुल राइट लेवल और सार हो जाएगा तो हम लोग निकाल देंगे। ये जैसे ये हमने लास्ट वीक बनाया था, ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, तो हम इसको ये कर देंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरी चाय पूरी उबल गई है, मेरा कम्बुचा का जो लिक्विड है वो उबल गया है, तो इसके अंदर मैंने ये चाय पत्ती डाल दी, और चाय पत्ती डाल के मैंने इसको कवर कर दिया। ये देखिएगा, इसमें फिज भी आपने सुना होगा, ये थोड़ा सा जब मैंने खोला तो अच्छी खासी फिज बना। यहाँ से आपको देख सकते हैं झाग बन रहे हैं, ये नेचुरल झाग बन रहे हैं, ये कम्बुचा के फर्मेंटेशन के लिए है। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कुछ नहीं डाला है, कुछ भी आर्टिफिशियल चीजें नहीं डाली है। ठीक है, ये देख रहे हैं आपको ये सब झाग अपने आप बनते जा रहे हैं, ये सब नेचुरल नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ जी, सो कमिंग कमिंग बैक, अभी मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या किया। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया, मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया, फिल्टर वाटर भी ले सकते हैं, RO वाटर वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर पानी लिया, 60 ग्राम्स मैंने शुगर डाला इसके अंदर, मैंने बॉईल किया। बॉईल क्यों किया? क्योंकि पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, आपकी शुगर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो दोनों चीजें नहीं चाहिए। बॉईल करने के बाद जब वो ठंडा हो गया, तब उसके अंदर मैंने 3 to 4 ग्राम्स मैंने ग्रीन टी डाली। अब ग्रीन टी की जगह आप ब्लैक टी भी डाल सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा ग्रीन टी यूज करना। इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, योर फ्लेवर्स, जो आपको टी मिलती है वो यूज कर सकते हैं, जो भी आपको नॉर्मल, जो आपको अच्छी लगती है, जो आप एवरीडे यूज करते हैं वो डालिए तो बेटर रहेगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर द कस्टमर, यू हैव टू फील गुड अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू मेक। ठीक है, तो वो डाल के मैंने ठंडा करने के लिए रखा। मैं उसको वेट करूंगा जब तक वो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री दूध की, जब दही जमाने के लिए जो दूध का टेम्परेचर रखना होता है ना, थोड़ा सा गर्म है लेकिन उबलता हुआ नहीं है, वार्म वो रखना होता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस इज अ वेरी गुड टेम्परेचर, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जब आ जाएगा टेम्परेचर, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा। और फिल्टर करने के लिए मैं तो कपड़ा यूज करता हूँ, या आपको कोई भी आप पुरानी हैंकरचीफ यूज कर सकते हैं, कॉटन की हैंकरचीफ, अगर वो नहीं यूज करनी है तो आप पुरानी चुन्नी यूज कर सकते हैं।
तो आपने कपड़े से डाल दिया, उसके बाद आपने इसको कभी बंद नहीं करते हैं। हमने जब आप देखा होगा, जब मैंने खोला था तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 5 मिनट के बाद मैं फिर से खोल के आपको दिखाऊंगा कितना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये लेंगे, हम इसको कपड़े से ढक देंगे। कपड़े से क्यों ढक रहे हैं, क्योंकि जब हम फर्मेंटेशन होता है तो लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स प्रोड्यूस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इंसेक्ट्स वगैरह इन सबको अट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने वो किया, तो ये लेके मैंने इसको कवर कर दिया। ठीक है, और ये कवर करके आपको कितने दिन वेट करना है, मिनिमम 3 डेज वेट करिएगा। 3 डेज में क्या होता है कि थोड़ा सा फर्मेंटेशन में से थोड़ा सा खट्टापन, जो साइडर लाइक फ्लेवर्स जो आते हैं कम्बुचा के, जो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। कम्बुचा आप कल्चर को रीयूज कर सकते हैं। सो वंस यू हैव इट इन विद यू, यू आर सेट फॉर लाइफ, आपको कभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो कल्चर जो मेरे पास है, ये कम से कम 10 साल पुराना है, मिनिमम 10 ईयर्स पुराना कल्चर है, जो मैंने 10 साल, उससे पहले भी जिससे मैंने लिया था उनका भी और पुराना कल्चर होगा। तो आई डोंट नो कितना पुराना कल्चर है, जैसे दही का कल्चर होता है, किसी को नहीं पता कितना पुराना है। सो इट्स लाइक अ फैमिली हेयरलूम। सो दिस इज ऑल यू नीड टू डू। 3-4 दिन के बाद जब आपको लगे कि फ्लेवर सब ठीक आ गए हैं, तब हम सेकेंडरी फर्मेंटेशन करते हैं। सेकेंडरी फर्मेंटेशन के लिए आप कोई भी जिंजर इज वन कॉमन थिंग जो सब लोगों को पसंद आती है। आप जिंजर लेंगे, जिंजर को ग्रेट करेंगे, और ग्रेट करके आप इसमें इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी जिंजर को ग्रेट करके रखा हुआ था, और इसके अंदर मैंने फ्रेश कम्बुचा डाल दिया, तो ये सेकेंडरी फर्मेंटेशन हो गया। इसमें मैं 2 से 3 दिन मैं और वेट करूंगा। तो 2 से 3 दिन वेट करूंगा, तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा और फर्मेंटेशन होता है, जिंजर के फ्लेवर इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। मैं कभी भी जो बाहर के फ्लेवर्स हैं वो अपने कम्बुचा की मदर में नहीं डालता हूँ, क्योंकि कैसे वो मदर के साथ रिएक्ट करते हैं वो पता नहीं चलता। आप एक कम्बुचा से बहुत सारे फ्लेवर्स बना सकते हैं। तो यूजली आप कमर्शियल जो कम्बुचा, जो मार्केट में आपको कम्बुचा मिलता है, उनका एक मदर का जार होता है, और उससे वो बहुत सारे फ्लेवर्स के जार्स बनाते हैं। अगर आप कमर्शियली करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको आप केग्स यूज कर सकते हैं। तो केग्स में अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर आ जाता है, और वो मोस्ट ऑफ द बार्स रेस्टोरेंट्स के साथ भी कंपैटिबल है, तो उनके जो टैप्स होते हैं उनके साथ आप अटैच कर सकते हैं। सो ये है, तो इसमें हमने जिंजर के साथ किया था। जिंजर आप कितना यूज करने हैं, मैं करीबन मैं 5 to 7 grams ऑफ जिंजर मैं प्रेफर करता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा कम चाहिए। जिनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जिंजर, जो जिंजर टी पीने वाले लोग हैं जिनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश जिंजर आप कम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ड्राई जिंजर होगा, क्योंकि ड्राई ऑलमोस्ट 50-60% मॉइस्चर उसका अब्जॉर्ब निकल चुका होता है, तो वो आप हाफ द क्वान्टिटी यूज़ करेंगे। जिंजर के अलावा आप फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, तो फ्रूट्स में मैंगो आप यूज कर सकते हैं, लोग लीची के साथ करते हैं, एक दो ने वाटरमेलन के साथ भी कम्बुचा किया हुआ है। मेरे जो मुझे जो अच्छा लगता है वो रोज पेटल्स, तो इसमें ऑर्गेनिक रोज पेटल्स डाल के उन्होंने बनाया है, हिबिस्कस डाल के वो बनाया है, लेमन ग्रास का कम्बुचा मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सो यू कैन मिक्स इन ट्राई डिफरेंट फ्लेवर्स। तुलसी इज अनदर वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इट। आंवला इज समथिंग जो एक दो मैंने पसंद किए हैं, दैट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई विद आंवला। सो जिसकी भी चीज़ की आपको चाय अच्छी लगती है, उसका आप कम्बुचा भी बना सकते हैं। इसमें नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं फिर से आपको खोल के दिखा सकता हूँ, अभी इसमें बन चुका होगा, ये देखिएगा, मैंने इसे 5 मिनट पहले ही इसको पोर किया था। दिख रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो इसमें अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना करें या रिलीज करते रहें, अदरवाइज टू मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो कॉज अ बॉटल टू एक्सप्लोड। दैट्स दिस इज हाउ टू मेक कम्बुचा इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन ईमेल अस। ईमेल एड्रेस है brew@arishtam arishtam.com, ये हमारा एड्रेस है। I will be happy to help you. Thank you very much.